Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Hello friends, welcome to Nisul Pooja Vlog. कैसे हो आप सब? आज है 25 फेब और कल है 26. और आप लोगों को मैंने बताया था ना, 26 को ऐसा क्या है, 26 को है मेरी मैरिज एनिवर्सरी और उसको मैं किस तरीके से सेलिब्रेट करूँगी तो सब कुछ मैं दिखाऊँगी आपको व्लॉग के अंदर। और अभी जो टाइम हुआ है ना, बजे हैं 10 और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी तो मुझे थोड़ी सी घर की सफाई भी करनी है और थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, मार्केट से थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है और सब कुछ दिखाऊंगी आपको व्लॉग के अंदर, ठीक है? तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से अपना किचन का काम और थोड़ी सी सफाई, उसके बाद मुझे अपने फेस पे मतलब थोड़ा सा एक फेस पैक और लगाना है जो मैंने कम से कम 3 या 4 दिन से लगाया नहीं है। जब मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी ना तो उसी समय मैं लगा लेती हूँ, फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब मुझे लेकिन लग रहा है मुझे ज़रूरत है क्योंकि कल है 26। और अब मैं लगा लेती हूँ अपना वाला फेस पैक, अपना वाला मतलब जो मैंने वीडियो बनाया था ना अभी पपाया फेस पैक का, वही वाला बचा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा ये वाला मैं अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ, उसके बाद मुझे अपने किचन के काम कर दें तो फिर किचन के काम भी कर लूँगा। थोड़ा सा थिक हो गया ये, तो इसमें मुझे कुछ डालना पड़ेगा। इसमें मैं थोड़ा सा पपाया और मैस करके डाल लेती हूँ जिससे थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए। आज मुझे बच्चों ने बोला है कि मम्मी आज आप बनाओ शाही पनीर, तो अब मैं चलती हूँ किचन में फटाफट से बना देती हूँ शाही पनीर, क्योंकि आज लोग घर में सिर्फ हम 3 लोग ही हैं, मैं और मेरे दोनों बच्चे और मम्मी, और हस्बैंड तो है नहीं, वो है मथुरा। और अब मैं फटाफट से कट कर लेती हूँ पनीर कट कर लेती हूँ। देखिए आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि दी इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, जैसे कि नेल्स के ऊपर, कि आपके नेल्स बहुत ही अच्छे हैं और आप किस तरीके से इनकी केयर करते हो, तो प्लीज़ नेल्स की ग्रोथ कैसे करें तो इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, और फिर आप लोग बोलते हो कि दी हमें नहीं मिल रही, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से मेरी वीडियो देखनी है। मतलब देखिए आप यूट्यूब चलाइए, ठीक है, यूट्यूब पर जाइए, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ सब कुछ कि आपको कैसे देखना है। तो देखिए ये देखा आपने कि YouTube पे गया, और YouTube पर जाने पर आप नेचुरल पूजा सर्च करना, मेरा नेचुरल पूजा, आपने नेचुरल पूजा सर्च किया ना, अब क्या करना है आपको, जो मेरी यहाँ पे जो मेरा चैनल है ये वाला जो पिक लगी हुई है मेरी और हस्बैंड की, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ऐसे क्लिक कर दिया, अब वीडियोज जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वीडियोज लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, कम्युनिटी लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, तो आपको वीडियोज पे इस तरीके से क्लिक करना है। तो देखिए वीडियोस पे क्लिक कर दिया, अब आपको जितने भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, ये देखिए जितने भी मैंने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रखी है सारी वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है? देखिए इस तरीके से आप ऊपर करते चलिए ऐसे, और थंबनेल देके टाइटल देके आपको पता चल जाएगा कि मेरी किस टॉपिक पर वीडियो है, तो उसको क्लिक करके आप देख सकते हो। तो देखिए गाइज अभी मैंने अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट किया है, और आप लोगों को मैंने बोला था ना कि आज क्या है, मतलब 26 फेब को क्या है आप लोग बताना, तो ये मेरे बच्चे हैं, 26 फेब को आज हमारी है मैरिज एनिवर्सरी, और कितने साल हो गए आप बताइए हम लोगों की शादी को, तो ये भी आप लोग बताना कमेंट करके, ठीक है? और क्या कहते हैं, और मैंने थोड़ा सा अपने घर को इस तरीके से डेकोरेट किया है, और ये वाली मैंने ड्रेस पहनी है, ये देखिए ये वाली ड्रेस मैंने पहनी है आज के दिन, ठीक है? और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपनी हेयर कटिंग भी कराने वाली हूँ, तो मैंने ये वाली हेयर कटिंग कराई है, और मैंने फर्स्ट टाइम ये वाली हेयर कटिंग कराई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैंने शादी से पहले कराई थी, और कराई थी मैंने शादी के बाद भी कराई थी,
मतलब लाइफ में दो बार कटिंग कराई है उससे पहले, उसके बाद मतलब नहीं कराई ज़्यादा, और या फिर मैंने अब कराई है और पता नहीं चल रहा कि मुझे मेरे चेहरे पे कटिंग कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही, लेकिन ये भी आप बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो देखिए मेरे बच्चे क्या मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बच्चे तो बच्चे और बच्चों के पापा भी कर रहे हैं बच्चे भी है साथ में, बच्चों के पापा भी है, देखिए। तो हम लोगों ने अब हम जा रहे हैं केक में कट करने के लिए, तो अभी ये कट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं और सारा व्लॉग आप लोगों के पास बहुत ही जल्दी से पहुंचेगा, ठीक है। और आज मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था कि मुझे आज ना आज तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आज मैं बाहर से ही तुम्हारे मतलब बाहर से हम लोग ऑर्डर करते हैं और वो बाहर से मतलब खाना पीना मंगाते हैं, क्योंकि और हमने सब पता ना हम लोग जाने वाले थे बाहर। खूबसूरत पल, और मैंने आप लोगों से बोला था कि जो सही सही बताएगा ना मैं उन सब का नाम अपने ब्लॉग के अंदर लूँगी, और आप सबने बिल्कुल सही बताया है, आप सबने तो पहले ही मुझे बता दिया था कि भाई आपकी 26 फेब को मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, सचमुच मेरी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आपको पता चल ही गया, और मैंने बहुत ही अच्छे से इसे सेलिब्रेट किया है। और सबसे अच्छी खुशी की बात होती है ना कि फैमिली साथ में रहे, और तब हम कोई भी प्रोग्राम है छोटा मोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो लेकिन फैमिली साथ में हो तब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे अच्छे से सेलिब्रेट भी किया जाता है। लेकिन आज मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी जी की कमी है, मतलब मेरी सासू माँ है नहीं, वो चली गई है मथुरा, तो उनका फ़ोन आया था लेकिन कि तुम अच्छे से सेलिब्रेट कर लेना, मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि शादी है ना आज की नहीं कल 27 की शादी है, तो वो 28 को घर पे आएंगी, तो बस अगर वो भी साथ में होती हमारे तो और ज़्यादा अच्छा लगता, बट वो है नहीं। अच्छा मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं हेयर कटिंग कराने वाली हूँ, तो देखिए मैंने ये वाली हेयर कटिंग कराई है, तो ज़रा बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे चेहरे के ऊपर अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, और ये वाली मैंने ड्रेस पहनी है यार, ठीक है, और ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे और उन्होंने बोला था मैरिज एनिवर्सरी पे तुम यही वाली ड्रेस पहनोगी, मैंने कहा चलो ठीक है, तो इस तरीके से, और भगवान करे हम दोनों की लाइफ ऐसे निकलती रहे, आप लोगों की भी लाइफ इसी तरीके से हंसी खुशी ऐसे निकलती रहे और माता रानी की भोलेनाथ की सब पर ऐसे ही कृपा बनी रहे, ठीक है। तो अभी हम लोग डिनर वगैरह करने जा रहे हैं,
अभी जो टाइम हुआ है 9 बजने वाले हैं, तो अभी हम लोग डिनर कर लेते हैं। और आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि पूजा आज तुमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आज मैं जो भी लाऊंगा ना बाहर से, मतलब जो भी ऑर्डर करेंगे बाहर से ऑर्डर करो। तो बच्चों ने ऑर्डर कर दिया है, अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या ऑर्डर किया, जो बच्चों ने कर दिया वही हम लोग सब खाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। और हाँ, आप लोग बताना मुझे कमेंट करके, आप लोग फिर गैस करो कि हमारी कौन सी मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है, ये भी आप लोग बताओगे मुझे कमेंट करके। और जो लोग सही बताएंगे उनका मैं नाम लेने वाली हूँ। देखिए, तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, मैं आपको हिंट दे देती हूँ हमारी कौन सी है। या तो आप, मैं स्टार्ट करती हूँ कि 20, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
चलो ठीक है ना, फिर आप लोग बताना मुझे, आप लोग बताना मुझे कि कौन सी हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी जो हमने अभी सेलिब्रेट की थी, और अभी हम लोग करते हैं डिनर वगैरह। ओके, और आप सबके नाम ही मैं लेने वाली हूँ। और हाँ, एंजॉय कर रहे थे अभी हम लोग। मेरे कान पे फोड़ दिया बोल। ये देखा, अच्छा ये तो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा ये है क्या, क्या? मुझे लगा ये ऐसे फोड़ रहे यार। ऐसे लगा हल्का सा। चलो यार ठीक है, मैं तो कहूँ सबकी लाइफ में ये दिन आए और सब अपने अपने घरों में इसी तरीके से एक दूसरे के साथ ऐसे सबका प्यार बना रहे, ऐसे सब लोग सेलिब्रेट करते रहे, बहुत ही अच्छा लगता है। और फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो अब हम लोग कर लेते हैं डिनर वगैरह। अभी मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो है ना, उनका उनकी कॉल थी, तो उनसे बात कर रही थी, तो वो भी मथुरा शादी में गई हुई थी, तो वो आ जाइए, तो उन्होंने मेरे को मिस किया है। चलिए गाइज, हम लोगों का खाना पीना हो गया और हम लोगों ने डिनर भी कर लिया अपना। अब मैं एकदम फ्री हूँ और अब मैं लेने वाली हूँ आप लोगों के नाम। मैंने आप लोगों से बोला था ना कि आप लोग गैस करिए 26 फेब को क्या है। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल है, और आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या है, तो मैं आपको बताऊँगी कि उस दिन है क्या और किस किसने सही बताया है। तो देखिए, अभी मैंने अपना उसी वीडियो वाला जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था, मैंने अभी उसी के कमेंट बॉक्स में गई हूँ, और मैंने कमेंट तो आप लोगों के पहले ही रीड कर लिए थे। जब जब आप लोग कमेंट करते थे, मैं उसी समय करती गई आप सब लोगों के कमेंट, लेकिन मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाई थी, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि इनके आंसर मैं आप सबको दूंगी व्लॉग के अंदर। तो देखिए, ये जो कमेंट इस वाले व्लॉग में आए हैं, कितने आए, 118 कमेंट आए हैं, ठीक है। तो 118 लोगों के अगर मैं नाम लूँगी यहाँ पर, तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर भी हो जाओगे। फिर आप लोग कहोगे यार क्या गाथा लेके बैठ गई ये नेचुरल पूजा, और हम लोगों को बोर करने लगी हुई है। तो देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि 118 में से 95% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और आप सबने बोला है कि दी इस दिन आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो बिल्कुल आपने सही बोला, सही पकड़े हो। और 5% लोगों ने बोला है कि आपके बेटे का बर्थडे है या फिर आपका बर्थडे है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन 95% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं नाम लूँगी तो बहुत ज़्यादा ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, आप लोग भी फिर बोर हो जाओगे, देखोगे नहीं, स्किप कर दोगे,
ठीक है, लेकिन मैं समझ गई और आप लोगों ने जो कमेंट करते गए थे आप लोग, तो उसी समय मैं रीड भी करती गई थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग कितनी अच्छे से समझ गए कि उस दिन है क्या। मेरे चेहरे के स्माइल से ही आप लोग समझ गए थे कि इस दिन क्या हो सकता है जो इनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया, तो ठीक है। और आज का दिन तो सचमुच मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। चलिए आप एक बात और बताइए मुझे, अगले व्लॉग में बना मतलब इसी व्लॉग में आप कमेंट करके बताना ये और बता दीजिए कि जो मैंने ये मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है ना, एक कौन सी है, ठीक है, मतलब 10वीं है कि 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, जो भी है आपके माइंड में, जो भी है, जो भी आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर मैं आपको जवाब दूंगी अगले व्लॉग में कि कितने लोगों ने सही बताया इसका जवाब, ठीक है। तो आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और भगवान की दुआ से इसी तरीके से हमारा जो भी है मतलब हमारी खुशी के पल होते हैं तो इस तरीके से हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो दुआ करती हूँ कि ये दिन हर किसी की ज़िंदगी में बार बार आए, सब लोग अपनी लाइफ में इसी तरीके से खुश रहें, इसी तरीके से सेलिब्रेट करें जैसे कि हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। तो इसलिए और इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ में थी। बस मुझे थोड़ा सा लगा था कि मम्मी जी घर पे नहीं है आज, और उनके बगैर थोड़ा सा ऐसा लगा था, मतलब कहीं ना कहीं एक फीलिंग आई थी कि मम्मी जी भी होनी चाहिए थी इस बड़ी इतनी बड़ी खुशी में, बस वो नहीं थी क्योंकि वो मथुरा में हैं, शादी है इस वजह से, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने इसका जवाब भी दे दिया और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि ये व्लॉग सचमुच आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, अच्छा लगा, तो मेरे व्लॉग को कर देना लाइक। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस व्लॉग पर तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल पूजा। और ऐसे ही व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। और हाँ, आप लोग एक बात और बताना कि ये वाली हेयर स्टाइल मेरे ऊपर ठीक लग रही है कि नहीं लग रही, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक ही लग रही है, लेकिन आप लोग भी बताना कैसी लग रही है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।